बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। माय नेम खुबैब परवेज़ और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल कुकिंग इज़ एन आर्ट। आज बहुत ही डिलीशियस रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे, मोज़ाम्बिकन चिकन। बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मोज़ाम्बिकन चिकन बनाने के लिए सबसे पहले हमने इसकी मैरिनेशन तैयार करनी है। मैरिनेशन के इन्ग्रीडियंट्स मैंने पहले से कट करके रख लिए हैं। ग्रीन चिल्ली, कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, रेड फ्रेश चिल्ली, जिंजर, फ्रेश कोरिएंडर, फ्रेश बेजल और लेमन जूस। ग्रामेज के साथ प्रॉपर रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। बेसिक इंग्रेडिएंट्स हमारे पूरे हो चुके हैं, तो चलिए अब मैरिनेशन को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने फूड प्रोसेसर के अंदर सारी चीज़ें डाल लेनी है। अगर आप रेस्टोरेंट फील्ड से रिलेटेड हैं तो ये डिश आप अपने अलाकार्ड मेन्यू के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप कहीं ट्रायल के तौर पर भी इसको दे सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इंग्रेडिएंट्स हमने फूड प्रोसेसर के अंदर इस तरीके से डाल लिए हैं। अब सॉस के अंदर बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जिनमें साल्ट, क्रश चिली, ब्लैक पेपर, बारबेक्यू सॉस, पेरी पेरी हॉट सॉस, गार्लिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, फ्राइड ऑनियन पाउडर, कायन पेपर, वाइट पेपर, विनीगर, टर्मरिक पाउडर और क्यूमन पाउडर और ऑलिव ऑयल। सारे इंग्रेडिएंट्स आपको ग्रामेज के हिसाब से डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन से आप प्रॉपर रेसिपी को फॉलो कीजिए। क्यूमन पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर, वाइट पेपर, कायन पेपर, फ्राइड ऑनियन पाउडर, उसके बाद इसके अंदर कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे, गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे, उसके बाद पेरी पेरी हॉट सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर। हम मैरिनेशन को हमने स्पाइसी रखना है, इसलिए हमने पेरी पेरी सॉस, रेड फ्रेश चिल्ली भी ऐड किया इसके अंदर, ग्रीन चिल्ली भी ऐड किया, बारबेक्यू सॉस ऐड करेंगे, इससे हमारा चिकन मज़ीद फ्लेवरी बनेगा। वाइट वाइन विनीगर ऐड करेंगे इसके अंदर, ब्लैक पेपर क्रश ऐड करेंगे, क्रश चिल्ली। स्पाइसी मैरिनेशन तैयार कर रहे हैं। साल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर, उसके बाद ओलिव ऑयल ऐड करेंगे। इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट हमारे हो चुके हैं। एंड में इसके अंदर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे, उसके बाद तमाम चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे। मैरिनेशन हमारी तैयार हो चुकी है। उसके बाद मैंने हाफ होल चिकन को बोनलेस कर लिया है विद स्किन। अगर आपके पास विद स्किन चिकन अवेलेबल नहीं है तो आप चिकन ब्रेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, या विद बोन चिकन, किसी भी तरह का चिकन आप यूज़ कर सकते हैं। चिकन को आधे घंटे की रेस्ट देने के बाद चिकन हमारा अब तैयार हो चुका है। अच्छे तरीके से आपने इसको मैरिनेशन लगानी है ताकि फ्लेवर चिकन के अंदर तक चले। ग्रिल के ऊपर रखेंगे इस तरीके से, मीट वाली साइड को, स्किन वाली साइड नहीं रखनी नीचे, नहीं तो आपकी स्किन डैमेज हो जाएगी। उसके बाद आपने इसकी स्किन वाली साइड हॉट प्लेट के ऊपर रख लेनी है। अगर हॉट प्लेट नहीं अवेलेबल तो पैन के अंदर भी कर सकते हैं आप। अगर विदाउट स्किन आपका चिकन है तो आप उसको बेशक ग्रिल के ऊपर कुक करें। मेरे पास स्किन वाला चिकन है, इसलिए मैं हॉट प्लेट के ऊपर इसको कलर दे रहा हूँ स्किन को। चिकन के लिए सॉस भी हमने साथ ही तैयार कर लेनी है। 2 टेबलस्पून मायो के अंदर 1 टेबलस्पून जो मैरिनेशन हमने तैयार की है, स्पाइसी मैरिनेशन, मायो के अंदर ऐड करेंगे अच्छे तरीके के साथ। उसके बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है। सॉस भी हमारी रेडी हो चुकी है चिकन की। चिकन हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। कायन पेपर पाउडर, विनीगर और उसके अंदर इस तरीके से हम टमाटो, ऑनियन, कुकम्बर और लेमन लगा के प्लेट के अंदर इस तरीके से लगा लेंगे। इस तरीके से आपने प्लेट को लगाना है। सॉस जो हमने तैयार किया है वो डाल के रखेंगे, चिकन प्लेट के अंदर रखना है और आप इसके साथ फ्रेंच फ्राइज इस तरीके से सर्व कर सकते हैं। चिकन हमारा रेडी हो चुका है जी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।
अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।